मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम डिवेक्टर आपकी कंस्ट्रक्शन फोर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन फोर है आपकी कंस्ट्रक्ट टू सर्कल ऑफ इक्वल रेडियस टचिंग टू पैरेलल लाइंस ए बी एंड सी डी एंड ऑल्सो टचिंग अ ट्रांसवर्सल लाइन पी क्यू। इट मीन्स यहाँ पे आपको दो सर्कल की रचना करनी है, ठीक है। दो आपको वृत्त की रचना करनी है जिनकी त्रिज्या जो है वो आपको समान दिया हुआ है, यानी कि दो समान त्रिज्या वाले वृत्तों की रचना करनी है, ठीक है। जो पैरेलल दो दी हुई समांतर रेखाओं को स्पर्श करता हो तथा एक तिरक रेखा PQ हो उसको भी स्पर्श करे, ठीक है। यानी कि आपको ऐसे दो वृत्त बनाने हैं जो दो समांतर रेखाओं को भी स्पर्श करे और एक तिरक रेखा को भी स्पर्श करे। इस तरह से दो आपको वृत्त बनाने हैं, ठीक है। क्या अब देखिए, सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे कि दो स्पर्श रेखाएं लेंगे, दो आप समांतर रेखाएं लेंगे। यहाँ पे आपको ये नहीं दिया हुआ है कि आप कितने सेंटीमीटर की रेखा लेंगे, ठीक है। आप 5 सेंटीमीटर, 6, 8, 7 कुछ भी ले सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग एक सुटेबल रेडियस के अकॉर्डिंग आप सुटेबल लेंथ से आप ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं लिया। देखिए ए बी एक आपकी समांतर रेखा है, दूसरी आपकी सी डी समांतर रेखा है, ठीक है। दो समांतर रेखाएं लिया और इन दोनों समांतर रेखाओं को पी क्यू रेखा जो है, तिरक रेखा जो है, जो कि काट रही है, ठीक है। तिरक पी क्यू रेखा जो है वो इन दोनों समांतर रेखाओं को काट रही है। पी क्यू रेखा जहां पर ए बी को काटती है, रेखा ए बी को काटती है, वहां पे आपको ई पॉइंट मिलता है, जैसे ई पॉइंट मिलता है, ठीक है। ई पॉइंट आपको यहाँ पे है, ये आपका ई पॉइंट है। जहां पे आपको पी क्यू रेखा सी डी को काटती है वहां पे आपको एफ पॉइंट, ये आपका जो है ये आपका एफ पॉइंट, ठीक है। उसके बाद देखिए बेटा अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आपका हो गया जो ये ए ई पी, इस तरह ए ई एफ एक कोण बनता है, देखिए इस तरह से बी ई एफ ये भी एक कोण बनता है, ठीक है। ऊपर दो कोण बन रहा है, इस तरह दो अंदर भी कोण बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ई से कुछ दूरी रेडियस लेकर एक इस तरह देखिए अर्धवृत्त बनाएंगे, ठीक है। इसी तरह का अर्धवृत्त हम एफ पर बनाएंगे, इसी तरह एफ पर अर्धवृत्त बना लिया, ठीक है। उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, तो ये आपका एंगल है 1, 2, 3, 4, आपको चार एंगल चार कोण यहाँ पर मिल रहे हैं। इन चारों कोणों को हम बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि समद्विभाजित करेंगे, ठीक है, दो बराबर भाग में डिवाइड करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, कंपास से इस दूरी को नाप लेंगे, फिर यहाँ कंपास रख के एक चाप लगाएंगे और यहाँ कंपास रख के दूसरा चाप लगाएंगे, ठीक है। जहां पे दोनों चाप एक दूसरे कट करेंगे ऐसे मिलाते हुए रेखा खींचेंगे, इस तरह से सेम इस तरह से इस एंगल को भी समझ विभाजित करेंगे बी ई एफ को, ठीक है। उसके बाद सी एफ ई एंगल को समझ विभाजित करेंगे, इस तरह ए ई एफ को समझ विभाजित करेंगे। जब हम दोनों एंगल को समझ विभाजित करेंगे तो देखेंगे कि जब ये रेखाओं को आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहाँ पे ओ बिंदु की दोनों रेखाएं दूसरे को काट रही है, ठीक है। इस तरह से जब इन रेखाओं को आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये जो है ओ डैश एक दूसरे को काट रहा है, समझ में आया सबको। हमें इन चारों कोणों को समझ विभाजित करना है, समझ विभाजित करते हुए जब ये दो इस कोण को समझ विभाजित करेंगे इसको जब रेखा आगे बढ़ाएंगे तो ओ डैश पे मिलेंगे, ठीक है। इस तरह यहाँ पे ओ पर मिलेंगे, सब इतना सबको समझ आया। उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, ओ से ऊपर एक चाप लगाएंगे, ठीक है, और इस चाप को हम चाप पर एक ये कह सकते हो कि ओ पर हम एक लंब खींचेंगे, ठीक है। लंब जो होता है हमेशा 90 से कोण बनाता है, परपेंडिकुलर होता है, तो जब लंब खींचेंगे इस तरह से तो ए बी लाइन को देखिए एम पॉइंट पर वो कट करेगा, ठीक है। जो ये आपको ओ एम मिला हुआ है ये भी आपकी त्रिज्या है, ठीक है। ओ एम जो मिली ये आपकी त्रिज्या है, देखिए इसको मिलाते हुए इस तरह से रेखा खींचेंगे, त्रिज्या मान के लिए इस तरह से रेखा खींचेंगे तो ये इस तरह से आपका व्रत बनेगा, कुछ इस तरह से आपका व्रत बनेगा, ठीक है। देखिए बेटा जो आपका व्रत बना है वो दोनों समांतर रेखाओं को टच कर रहा है और तिरक रेखा को भी टच कर रहा है, ठीक है। इस तरह इससे त्रिज्या यहाँ तक पात्र रखोगे आप ऐसा रखोगे, इस तरह आप दूसरा तत्व जो बनाओगे वो भी दोनों समांतर रेखाओं को टच करेगा और तिरक रेखा को भी टच करेगा, ठीक है।
यहाँ से मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। आपको गिवन क्या क्या है, क्या क्या दिया हुआ है, ए बी दो रेखाएं दी हुई है समांतर और पी क्यू एक तरफ रेखा दी हुई है, ठीक है। पी क्यू तरफ रेखा ए बी और सी डी को ई और एफ पॉइंट पे काट रहा है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपको चार कोण मिल रहे हैं, चारों कोणों का हम अर्धक करेंगे, ठीक है। अर्धक करने के बाद देखिए जब रेखाओं को आगे बढ़ाएंगे तो रेखा ये ओडी से मिलेगी और ये ओ कट करेगी, ठीक है। ओ से हम लंब खींचेंगे जो कि एम पॉइंट मिलेगा यहाँ पे। ओ एम त्रिज्या लेकर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, इसी त्रिज्या को ठीक है यहाँ से हम या तो इस तरह के लंब नीचे ड्रॉ कर सकते हैं, ओ डैश एन ले सकते हैं, या फिर इसी त्रिज्या पे हम दूसरा वृत्त ड्रॉ करेंगे जिनकी त्रिज्याएं समान होंगी, ठीक है, और समांतर रेखाओं को भी टच करेंगे और आपकी जो तिर्यक रेखा दी हुई है उसको भी स्पर्श करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको इसकी रचना लिखनी है, सारे बच्चे इसकी रचना लिखिए, रचना लिखकर मुझे दिखाइए, पहले इसको ड्रॉ करिए और ना एक बार आप लोग कंपास और स्केल की सहायता से ही करेंगे, ये जो सर्कल बनाएंगे वो कंपास से बनाएंगे, ठीक है, और कल की सहायता से ही बनाएंगे।